हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 5 के सिक्स से लेकर टेंथ पार्ट तक सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड, और सिक्स पार्ट में हमें दिया गया है 11.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15, यानी हमें 11.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.15 के साथ। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर एज इट इज लिख लिया है। अब हम इन दोनों नंबर से डेसिमल को हटाएंगे। स्टूडेंट्स, जब हम यहां से डेसिमल हटाएंगे तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा 112 और अपॉन में 10 आएगा। अपॉन में 10 इसलिए आया स्टूडेंट्स कि अगर आप यहां राइट से चेक करें तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो अगर राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया। अब हम यहां से डेसिमल हटाएंगे तो जब हम ये डेसिमल हटाएंगे तो हमें न्यूमरेटर में 15 मिलेगा और अपॉन में 100 आएगा। 100 इसलिए आया स्टूडेंट्स क्योंकि अगर आप यहां पर राइट से चेक करें तो दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से दो डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां न्यूमरेटर में 112 है, यहां न्यूमरेटर में 15 है। जब आप 112 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 1680, और यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है। जब आप 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे 1000। तो अब हमें मिल गया है 1680 अपॉन 1000। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक जीरो इस एक जीरो से कट जाएगी। तो अब हमें क्या मिला, न्यूमरेटर में आया हमारे पास 168 और अपॉन में बचा 100। अब हम 168 को डिवाइड करेंगे 100 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में दो जीरो है, हम ये दो जीरो यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में लिखा है 168, तो जब कहीं डेसिमल नहीं दिखता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर से दो जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से दो डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये 168 तो हमने यहाँ पर एज इट इज लिखा, और जो डेसिमल यहाँ लास्ट में था ये इन दो डिजिट को क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएगा। तो जब हमने 11.2 को मल्टीप्लाई किया 0.15 के साथ तो हमें आंसर मिला है 1.68। अब हम सेवेंथ पार्ट को सोल्व करेंगे। सेवेंथ पार्ट में हमें दिया गया है 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.02। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इन दोनों नंबर के डेसिमल को हटा देंगे। सबसे पहले हम ये डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 107 और अपॉन में 100 आएगा। 100 इसलिए आया स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ राइट से चेक करें तो दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से दो डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। ये मल्टीप्लाई का साइन यहां पर एज इट इज आ गया। अब हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हमें 2 मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेसिमल के बाद 02 है, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ 2 लिखा है क्योंकि 2 के लेफ्ट में अगर आप 0 लगा भी देते हैं तो 02 कहिए या 2 कहिए बात एक ही होती है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 लिखा है। और अपॉन में 100 आएगा क्योंकि अगर आप राइट से चेक करेंगे तो दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से दो डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ न्यूमरेटर में 107 है, यहाँ न्यूमरेटर में 2 है। जब आप 107 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 214। यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 100 है। 100 इंटू 100 10,000 होता है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10,000। तो अब हमें मिल गया है 214 अपॉन 10,000। अब हम 214 को 10,000 से डिवाइड करेंगे। अब डिनोमिनेटर में देखिए स्टूडेंट्स, चार जीरो है, हम ये चारों जीरो यहां से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। न्यूमरेटर में लिखा है 214, और जब कहीं डेसिमल नहीं दिखता तो डेसिमल यहां लास्ट में होता है। तो अगर आप डिनोमिनेटर से चार जीरो हटाएंगे तो डेसिमल यहां से चार डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 214 तो हमने यहाँ पर एज इट इज लिख लिया। अब डेसिमल यहाँ लास्ट में था और हमें डेसिमल को चार डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना था। तो देखिए, यहाँ से डेसिमल पहले इस डिजिट को क्रॉस करेगा, फिर इसको क्रॉस करेगा और फिर 2 को क्रॉस करेगा, लेकिन 2 के लेफ्ट में तो कोई डिजिट ही नहीं थी और हमें डेसिमल को चार डिजिट लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है। तो 2 के लेफ्ट में हम 0 लगाएंगे। अब ये डेसिमल
एक दो तीन चार, इन चार डिजिट्स को क्रॉस करके यहाँ लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और डेसिमल के लेफ्ट में आप ये जीरो लिख सकते हैं। इससे हमारे नंबर पे हमारी जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है। तो जब हमने 1.07 को मल्टीप्लाई किया 0.02 से तो हमें आंसर मिल गया है 0.0214। अब हम एट्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। एट्थ पार्ट में हमें दिया गया है 10.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इन दोनों नंबर के डेसिमल्स को हटा देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस डेसिमल को हटाएंगे स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 1005 और अपॉन में 100 आएगा। अपॉन में 100 इसलिए आया स्टूडेंट्स कि अगर आप राइट से चेक करें तो राइट से दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से दो डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। मल्टीप्लाई का साइन यहां एज इट इज आ गया। अब हम इस डेसिमल को हटाएंगे। जब ये डेसिमल यहां से हटाएंगे तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा 105 और अपॉन में आएगा 100। अपॉन में 100 फिर से इसी रीजन से आया है कि राइट से अगर चेक करें तो दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है और जब हमने ये डेसिमल हटाया तो यहां पर अपॉन में 100 आ गया। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ न्यूमरेटर में है 1005 और यहाँ न्यूमरेटर में है 105। जब आप 1005 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 से तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 105525 और यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 100 है। 100 × 100 10,000 होता है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10,000। तो अब हमें मिल गया है 105525 अपॉन 10,000। अब हम 105525 को डिवाइड करेंगे 10,000 से। अब यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए स्टूडेंट्स, चार जीरो है। हम ये चारों जीरो को यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ है। न्यूमरेटर में कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा। जब कहीं डेसिमल नहीं होता है तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है और अगर आप डिनोमिनेटर से चार जीरो हटाएंगे तो डेसिमल यहाँ से एक दो तीन चार, चार डिजिट क्रॉस करके यहाँ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 105525 को तो हमने यहाँ एज इट इज लिख दिया और जो डेसिमल यहाँ लास्ट में था वो यहाँ से चार डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो डेसिमल ने एक डिजिट को क्रॉस किया, फिर दूसरी डिजिट को, फिर तीसरी डिजिट को और फिर चौथी डिजिट को। तो इन चार डिजिट्स को क्रॉस करके ये डेसिमल यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब हमने 10.05 को मल्टीप्लाई किया 1.05 से तो हमें आंसर मिला है 10.5525। अब हम नाइन्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। नाइन्थ पार्ट में हमें दिया गया है 101.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इन दोनों नंबर के डेसिमल्स को हटा देंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 10101 और अपॉन में 100 आएगा। अपॉन में 100 इसलिए आया स्टूडेंट्स कि अगर आप राइट से चेक करें तो दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से दो डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे। अब जब ये डेसिमल यहां से हटाएंगे स्टूडेंट्स तो न्यूमरेटर में हमें 1 मिलेगा। देखिए डेसिमल के बाद है 01, तो यहां पर हमने 1 लिखा है। 1 के लेफ्ट में अगर आप 0 लिख भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 01 और 1 एक ही बात होती है। तो जब ये डेसिमल हमने हटाया तो न्यूमरेटर में लिखा 1 और अपॉन में 100 आएगा क्योंकि यहाँ राइट से अगर आप चेक करें तो दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो जब हमने इस डेसिमल को हटाया तो अपॉन में 100 आ गया। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ न्यूमरेटर में है 10101 यानी कि 10,101 और यहाँ न्यूमरेटर में है 1। तो जब हम 10,101 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 10,101। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ डिनोमिनेटर में 100 है, यहाँ भी 100 है। तो जब हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 10,000। तो अब हमें मिल गया है 10,101 अपॉन 10,000। अब हम 10,101 को डिवाइड करेंगे 10,000 से। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में चार जीरो है। हम ये चार जीरो यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में जब कहीं डेसिमल नहीं दिखता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। तो जब डिनोमिनेटर से हम ये चार जीरो हटाएंगे तो जो डेसिमल यहाँ लास्ट में है ये चार डिजिट क्रॉस करके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 10101 तो यहाँ पर हमने एज इट इज लिख लिया और जो डेसिमल यहाँ लास्ट में था वो ये चार डिजिट क्रॉस करके, देखिए एक दो तीन चार,
इन चार डिजिट को क्रॉस करके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब हमने 101.01 को मल्टीप्लाई किया 0.01 से, तो हमें आंसर मिला है 1.0101। अब हम 10th पार्ट को सोल्व करेंगे। तो 10th पार्ट में हमें दिया गया है 100.01 मल्टीप्लाई बाय 1.1। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इन दोनों नंबर से डेसिमल को हटा देंगे। सबसे पहले हम इस डेसिमल को हटाएंगे। तो जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 1,000,001, यानी कि 10,001, और अपॉन में 100 आ जाएगा। अपॉन में 100 इसलिए आया स्टूडेंट्स कि यहाँ अगर आप राइट से चेक करें तो दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से दो डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप वो डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आ गया। अब हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा 11 और अपॉन में 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर राइट से चेक करेंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है और आप वो डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ न्यूमरेटर में है 10,001, यहाँ न्यूमरेटर में है 11। तो जब हम 10,001 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा 1,100,001, यानी कि 1,10,011। और डिनोमिनेटर में यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1,000। तो अब हमें मिल गया है 1,10,011 अपॉन 1,000। अब हम 1,10,011 को डिवाइड करेंगे 1,000 से। अब यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए 3 जीरो है। हम इन तीनों जीरो को यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। जब न्यूमरेटर में कहीं डेसिमल नहीं होता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है। और अगर आप यहाँ डिनोमिनेटर से 3 जीरो हटाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो डेसिमल यहाँ लास्ट में है, ये 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 1,100,001, इसको यहाँ पर हमने एज इट इज लिख लिया है। देखिए 1,100,001, और ये जो डेसिमल यहाँ पर था लास्ट में, ये यहाँ से ये 3 डिजिट क्रॉस करके यहाँ लेफ्ट में यहाँ शिफ्ट हो गया। तो जब हमने 100.01 को मल्टीप्लाई किया 1.1 से, तो हमें आंसर मिला है 110.011। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।